व्हाट्सअप गाइस, हमारे भाई फिर से आ गए हैं रेड शेडो की वीडियो के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर से मैं दूसरी बार या आई थिंक तीसरी बार बोल रहा हूँ भाई, ये जो फोटो है डूम टावर को कंप्लीट करने की, भाई ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कम से कम 6 महीने से मैंने अपनी जो है शायद ये फ़ोटो नहीं चेंज करी। शायद मुझे इसलिए ऐसा लग रहा हो, शायद ये फ़ोटो इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, पर फिर भी भाई बहुत ही क्रेजी लग रही है मुझे अपनी फ़ोटो चेंज करनी। एकदम महंगे वाला प्लेयर लग रहा हूँ, जेनुअनली मैं फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ। तो गेम का नया अपडेट जो है आने वाला है और उसके अंदर क्या है VR थ्रिल्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या खास है 2022 के आसपास में भी फर्स्ट 2-3 महीने जनवरी फरवरी तक का, तो एरिना के चेंज कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एरिना के अंदर हमारा जो था वो 300 प्लेयर्स था प्लेटिनम लेवल के लिए, जो कि गेम वाले चेंज कर रहे हैं हमारे कहाँ गए भाई 500 प्लेयर्स के लिए। आई थिंक एक शुरुआत है। मैं प्लेटिनम लेवल पे कभी भी एंड नहीं हुआ, मैंने कोशिश भी नहीं करी, शायद मैं हो जाता या नहीं इसके बारे में नहीं बता सकता, पर मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि प्लेटिनम लेवल में मैं अपनी गेम को ख़त्म कर पाऊँ। प्लेटिनम लेवल पे जा चुका हूँ, आप मेरी चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं, 2 वीडियोस हैं प्लेटिनम लेवल की। तो 500 प्लेयर्स वर्ल्ड के, पूरी दुनिया में जितने भी गेम के प्लेयर्स हैं, रेट्स के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 500 प्लेयर्स काफ़ी, फिर भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है, पर फिर भी 300 से 500 एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गेम वालों का ही फायदा है, क्योंकि और लोग, ज़्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे कि प्लेटिनम लेवल में गेम को अपने ख़त्म करने का। आई डोंट थिंक कि मेरे पास प्लेटिनम रिवॉर्ड्स की रिवॉर्ड्स नहीं, मुझे पता है शायद प्लेटिनम रिवॉर्ड्स के रिवॉर्ड्स में स्किन्स भी आती हैं जो उसके अंदर अपनी फ़ोटो जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एक नया टीयर ऐड कर रहे हैं, जी हाँ, गो गेम के अंदर आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है गेम के अंदर, तब से हम देख रहे हैं कांगे भाई गोल्ड 4, और अब गेम वाले गोल्ड 5 भी निकाल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 60-70% प्लेयर सब गोल्ड 4 के अंदर ही हैं, और कुछ थोड़ा कॉम्पिटिटिव और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए प्लेटिनम ने निकाला है कि भाई अब थोड़े भाई जो नॉर्मल लोग हैं जो खेलना चाहते हैं थोड़ा सा भी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि गोल्ड 4 से ऊपर मैं गोल्ड 5 पे चले आऊँ। और मैंने अपना जेन्युइनली डिफेंस जो है बिल्कुल 0 कैटेगरी पे कर रखा है, आप देख ही सकते हैं हर 1-2 घंटे में मुझे लोग जो है खूब सा भाई ऐसे घटिया प्लेयर मुझे अटैक करेंगे, और इसे मुझे दोबारा ट्राई किया सेम टीम से, आई थिंक इसने ऑटोमेटिक पे करा होगा जो कि अपनी बैटल जो है हार गया था। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि आई थिंक गोल्ड 5 भी हो। आई थिंक मेरे ध्यान में भी शायद था बहुत टाइम पहले कि ये गोल्ड 5 भी होना चाहिए, या प्लेटिनम लेवल का कुछ एक लेवल 1 या 2 होना चाहिए कि आप जो है उस पर खेल पाएँ। तो अब जो है हमारे आने वाला है गोल्ड 5, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम जो है कर सकते हैं, नेक्स्ट सीन हमारे लिए क्या है, और इट ऑल गोज वेल यू विल सी अपडेट गेम क्लोजर टू एंड ऑफ फरवरी, जैसे कि 2022 के फरवरी में हमारा जो है होगा। सो शेडो किन फैक्शन वॉर्स, भाई साहब कई लोगों को कह चुका हूँ, अगर कोई थोड़ा सा भी क्लोज है हमारे फैक्शन वॉर्स को कंप्लीट करने के लिए भैया, तो आपके पास यही टाइम है कि अपना फैक्शन वॉर्स को कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी लीडिया को लीजिए, वरना आपको 63 स्टार्स और लेने पड़ेंगे लीडिया के लिए, जो कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको महीना भर भी लग सकता है एक्स्ट्रा एक फैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो भैया, और साथ ही साथ अपने फैक्शन शेडोकिन के जो चैंपियंस हैं आपके पास, जो भी कैटेगरी का चैंपियन है, आई थिंक निंजा तो सबके पास ही है, और योशी भी फ्यूजन चैंपियन था, और जो भी आपके पास कुछ खास खास चैंपियन, जैसे मैं बता सकता हूँ कि इसके बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी
आप गेम्बो बोरागनी को लेवल 60 कर सकते हैं, योशी और निंजा को भी लेवल 60 कर सकते हैं। दोनों दोनों काफ़ी कमाल के चैंपियन हैं। साथ साथ लेडी किम और रायो को भी लेवल 60 कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के चैंपियन आपको फैक्शन वॉर्स और गेम के छोटे मोटे एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो हर सेव टीम के अंदर ये अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि पहले हमारी 10 टीम्स थी, अब इन्होंने 15 चेंज करनी है, अभी नहीं हुई हैं। और जनरल बैटल्स के अंदर क्लैन बॉस वगैरह के अंदर 15 टीम, फैक्शन बॉस के अंदर 15 टीम, डूम टावर के अंदर 15, हाइड्रा में 15, हर जगह के अंदर आप जो है 15 टीम नहीं सेव कर सकते हैं। स्पेशली हाइड्रा बॉस के अंदर जहाँ तक बात चल रही है कि आप अपनी सेम टू सेम टीम नहीं यूज़ कर सकते, हर हफ्ते आपको अपनी नई टीम चूज करनी पड़ेगी। भले ही वो सेम चैंपियन हो, पर आप दूसरा चैंपियन भी यूज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेट चैंपियन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रा बॉस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, यस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बाकी छोटे मोटे अपडेट्स हैं कि हमारा CVC के अंदर आपको पता ही है कि जो पर्सनल रिवॉर्ड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे। कुछ लोगों को मिल रहे हैं तो उनको उनकी वर्थ के हिसाब से नहीं मिल रहे। और मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर आई थिंक जो एंड गेम प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ही हम देख सकते हैं क्लैन वर्सेस क्लैन के बारे में बात हो रही है, और हाइड्रा बॉस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हाइड्रा बॉस की आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखी है, रेड की वीडियो जाके देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। हर आई थिंक 3 या 4 उसके हेड हैं, और पूरे के पूरे क्लैनमेट्स को अलग अलग तरीके से डैमेज जो है वो देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक बार में तो आप नहीं सीख पाएंगे, आई थिंक आपको कम से कम नए प्लेयर्स के लिए तो भूल जाइए, पर हाँ जो मीडियम से हाई प्लेयर्स हैं उनको भी कम से कम महीना या 2 महीना लगेगा कि आप जो है गेम के अंदर ध्यान लगाएं, और कौन कौन से आपके पास चैंपियंस हैं उसके बारे में भी ध्यान लगाएं, और कौन कौन सी आपके पास टीम्स हैं उसको भी आप जो है ध्यान लगाएं कि क्या हमारे पास हो रहा है। तो भाई ये मैंने टीम कौन सी चूज़ कर ली, भाई मैंने तो अनदेखा करके टीम को चूज़ कर लिया था। इसकी आर्बिटर मेरे से फास्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरी लेसेंड्रा फास्ट है, और होपफुली, अरे भाई हम तो हार जाएंगे यार। ओके अभी तो ठीक है, ओके अभी भी ठीक चल रहा है भाई। लकीली हम जो है वाली बैटल जो है जीतने वाले हैं, और ख़त्म। हर्डिंग बहुत ज़्यादा हिट हार्ड करता है, आई थिंक ट्रंडा का अगर नेक्स्ट कहेंगे तो आई थिंक हर्डिंग ही होगा, और मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है हर्डिंग की, 170 के आसपास है। तो आई थिंक दोस्तों मिले नहीं, बस अभी के लिए यही बात करनी थी। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।